पूरे देश के साथ साथ दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर कम नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन में आकर काम करने वाले सफाई कर्मचारी इन दिनों कोरोना की नहीं बल्कि वेतन ना मिलने की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते आज पिछले 4 दिन से नगर निगम में प्रदर्शन कर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन देना तो दूर, नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने आकर उनसे बात भी नहीं की, जिसके चलते अब उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनका वेतन नहीं मिलता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो में दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम की है, जहां पर आज नगर निगम के कर्मचारी चौथे दिन भी तनख्वाह की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन में आकर लोगों की सेवा की, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें घर खर्च चलाने के साथ साथ बच्चों की स्कूल फीस भरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका मेरा नाम रामचंद खेरा। लगातार दोबारा कोरोना बढ़ रहा है, पहले भी सफाई कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी कोरोना के काल में, अब कैसी भूमिका रहेगी? तनख्वाह नहीं मिल रही आप लोगों को? सफाई कर्मचारियों ने हमेशा बढ़ चढ़कर हमेशा पब्लिक की सहायता करी है, जहाँ भी कोई गंभीर बीमारियाँ आई हैं वहाँ सबसे पहले सफाई कर्मचारी पहुँचता है। बिना वेतन के, बिना उसके, बिना सम्मान के ये सफाई कर्मचारी हमेशा दिखाई देते हैं। कोरोना में से मरने वालों का भी दाह संस्कार आपके जिम्मे? हमारे जिम्मे है, मगर कोई हमारे पास औजार नहीं, ना कोई गिप्स है, ना मास्क है, ना वो सैनिटाइजर है, कुछ ऐसी चीज कुछ नहीं। अच्छा, तो कोई आप लोगों को मुआवजे की मांग की थी आपने 50 लाख रुपए की, कोई ऐसी कोई आपको घोषणा हुई आपके? हमारे हरियाणा में लगभग 17 कर्मचारी हमारे मर चुके हैं, 17 कर्मचारी का कुछ लेना देना नहीं, और जो कोरोना से यहाँ मरे हैं, जिन कर्मचारियों ने उनका अंतिम संस्कार करा है उनका भी वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं। अभी दाह संस्कार कर रहे हैं आप लोग? हाँ कर रहे हैं, बराबर टीम बनी हुई। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।